सो गाइस, ये होने वाला है आई एम अ टाइकून इन एंड ऑफ द वर्ल्ड का एपिसोड 20। तो चलो बिना किसी देर के स्टार्ट करते हैं। तो इस एपिसोड की शुरुआत में हम लाओ फू को देखते हैं, जो कि एक बग्घी में से बोलता है कि हम यहाँ पर पहुंच चुके हैं दमाजी। एंड हम देखते हैं उस बग्घी में हमारा हीरो शू फेई बैठा हुआ है। वो बाहर झांक कर देखता है तो वो देखता है कि वो एक महल के सामने आकर खड़ा हो गया है। एंड वो उसे देखकर काफी ज्यादा हैरान हो जाता है। बोलता है 100 फ्लावर्स पेविलियन, ये कितना सादा शानदार है। तभी लाओ फू बोलता है कि हाँ, आपने बिल्कुल सही कहा दमाजी। उसके बाद शू फेई को देखकर वहां के जो कुछ लोग थे वो बात करते हैं कि ये कैरेज तो नॉर्दर्न मार्क्स हाउस का है ना, कहीं यही तो नॉर्दर्न मार्क्स का नया फैंसी तो नहीं है। एक और कोई बंदा बोलता है नॉर्दर्न मार्क्स हाउस के जो लोग हैं वो हमारे यहाँ पर 100 फ्लावर्स पेविलियन में आए हुए हैं, ये कितनी शर्म की बात है। उन सभी की ये सारी बातें सुनकर जो शू फेई होता है वो पूछता है कि ओल्ड फू, क्या तुम्हें पूरा यकीन है कि हम सही जगह पर आए हैं। सो लाओ फू बोलता है कि हाँ, मुझे लगता तो है कि यही सही जगह है। सो शू फेई बोलता है कि ठीक है, मैं समझ गया। हम देखते हैं जैसे ही शू फेई अंदर की ओर जाता है, वहां पर एक बुढ़िया आती है जो बोलती है कि आप यहाँ पर किससे मिलने के लिए आए हैं सर। शू फेई बोलता है यंग मास्टर कियान, देखो तुमने मुझे यहाँ अंदर आने की इजाजत तो दे ही दी है, तो अब जल्दी से बाहर भी आ जाओ। तो हम देखते हैं बैकग्राउंड में से तभी कोई हंसता है और ये होता है कियान रेंजी, जो बोलता है कि जैसा कि मैं मार्क्स ऑफ नॉर्थ के हस्बैंड से एक्सपेक्ट कर सकता हूँ, तुम बिल्कुल वैसे ही हो। तुम सच में हुआंग फू शैंगनैन के पति हो और मैं तुम्हारे साथ ही किस तरह की ट्रिक्स खेल रहा हूँ इस बात का तुम्हें काफी अच्छे तरीके से अंदाजा है। तो उसकी ये सारी बातें सुनकर शू फेई बोलता है देखो, मैं अपने सबऑर्डिनेट्स के साथ इतना बुरा बिहेव नहीं करता और मैंने ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं सोचा था कि मेरा जो हाउसकीपर होगा वही मेरे खिलाफ ऐसा षड्यंत्र रचेगा बाहर लोगों के साथ मिलकर। उसके बाद जो कियान रेंजी होता है वो बोलता है ब्रदर शू, आप काफी ज्यादा सोच रहे हो, जो हाउसकीपर फू है उसने तो सिर्फ मेरा इनविटेशन एक्सेप्ट किया है। मैं वैसे मार्क्स की मदद करना चाहता हूँ उसकी जो सिचुएशन है उसपे निकालने में, प्लीज आप ऊपर आ जाइए एंड उसके बाद हम दोनों मिलकर आपस में अच्छे से बातचीत करते हैं। एंड उसके बाद हम चाय को देखते हैं। हाँ, तुम लोगों ने सही सुना, चाय, यानी कि कियान रेंजी और शू फेई दोनों एक दूसरे के सामने बैठ गए थे एक टेबल पर, जहाँ पर शू फेई बोलता है तो आप हैं यंग मास्टर कियान, क्या आपने मुझे 1 लाख ट्यूल्स देने के बारे में डिसाइड किया है या फिर नहीं। सो तभी जो कियान रेंजी होता है वो बोलता है देखिए ब्रदर शू ने मुझसे इतने अच्छे तरीके से पूछा है तो मैं आपको अपने दोनों हाथ फैलाकर इतनी बड़ी रकम देने के लिए तैयार हूँ। सो उसकी ये सारी बातें सुनकर हम देखते हैं शू फेई मस्त आराम से वहाँ पर बैठा हुआ है, वो उसकी बातों को सबको इग्नोर कर रहा है। एंड दूसरी तरफ कियान रेंजी को कुछ समझ में नहीं आता कि इससे क्या हुआ, ये तो कुछ जवाब सवाल कर ही नहीं रहा है। एंड उसके बाद कियान फेंजी बोलता है कि ब्रदर शू, आखिर आप कुछ बोल क्यों नहीं रहे हैं, मैं आपको पैसे देने के लिए तैयार हूँ। सो तभी हमारा शू फेई कियान रेंजी से बोलता है देखो, मुझे ऐसा लगता है कि अगर मैंने तुमसे ये पैसे ले लिए तो मैं हुआंग फू फैमिली को धोखा दे रहा हूँ और नॉर्दर्न आर्मी को भी। एंड उसके बाद जो कियान रेंजी होता है वो बोलता है मुझे आपकी बात को समझ में नहीं आ रही है ब्रदर शू, आखिर आपके कहने का मतलब क्या है। सो उसके बाद शू फेई बोलता है तुम मुझे किसी बिना शर्त के इतनी बड़ी रकम देने के लिए तैयार हो और तुमने ये भी नहीं कहा कि मुझे ये वापस कितने टाइम में करनी होगी, और मुझे लगता है कि अगर मैंने तुमसे पैसे ले लिए और उसके बाद जब तुमने अचानक से मुझसे पैसे मांगे तो हमारी हुआंग फू फैमिली को इतने सारे पैसे चुकाने के लिए उनकी सारी की सारी दुकानों को बेचना होगा। हाँ, सो शू फेई की ये सारी बातें सुनकर कियान रेंजी बोलता है कि ब्रदर शू, आप तो काफी ज्यादा समझदार हो। सो उसके बाद शू फेई चाय पीते हुए बोलता है अगर मैं तुम्हें ज्यादा अच्छे तरीके से समझाऊं तो एक बार पैसे लेने के बाद तुम हमारी नॉर्दर्न आर्मी को भी कंट्रोल कर पाओगे। हाँ, यंग मास्टर कियान काफी ज्यादा सपने देखते हैं। सो उसके बाद कियान रेंजी बोलता है सच में मैंने तुम्हें अंडरएस्टिमेटेड किया ब्रदर शू, अब तुम लोग अंदर आ सकते हो, आ जाओ। एंड अगले मोमेंट में हम देखते हैं जो शू फेई होता है वो ना जाने क्या देखकर काफी ज्यादा हैरान हो जाता है, कहीं तुम मुझे यहाँ पर खत्म तो नहीं करने वाले हो ना, क्योंकि मैं तुम्हारे साथ अच्छे तरीके से नेगोशिएट नहीं कर पाया। सो अगले मोमेंट में हम देखते हैं कि वहां पर कुछ लड़कियां आ जाती हैं और बैकग्राउंड में से कियान रेंजी बोलता है कि देखो ब्रदर शू यहाँ पर पहली बार आए हुए हैं, इसी वजह से मुझे उनका अच्छे तरीके से एंटरटेन करना चाहिए एंड उनका यहाँ पर अच्छे तरीके से ख्याल रखना चाहिए। और दूसरी तरफ उन लड़कियों को देखकर शू फेई बोलता है कि यंग मास्टर कियान, आखिर आप ये कर क्या रहे हैं। एंड उसके बाद हम देखते हैं जो वो दोनों लड़कियां थी वो शू फेई से चिपकने लगती हैं, उसके पास आने लगती हैं, जिसकी वजह से शू फेई को काफी ज्यादा नर्वस फील हो रहा था। एंड दूसरी तरफ जो कियान रेंजी था वो बोलता है भले से ही जो हुआंग फू फैमिली हो वो काफी ज्यादा हाई पोजीशन की पावर रखती हो, लेकिन अब वो धीरे धीरे कांपने लगी है। एंड उसके बाद कियान रेंजी बोलता है कि ब्रदर शू, आपको अपने बारे में भी सोचना चाहिए थोड़ा सेल्फिश होकर। एंड उसके बाद कियान रेंजी अपने दोनों हाथ फैलाकर बोलता है
हुआंगफू फैमिली बहुत ज्यादा पावरफुल है और मेरी कियान फैमिली बहुत ज्यादा अमीर। और अगर स्ट्रॉन्गेस्ट और रिचेस्ट दोनों की दोनों ये फैमिलीज एक दूसरे के साथ कॉम्बिनेशन कर लें तो इससे एक ऐसी फैमिली होगी जो कि पूरी की पूरी ग्रेट यान किंगडम में सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट होगी और उसका मुकाबला कोई भी नहीं कर पाएगा। एंड उसके बाद कियान रेंजी बोलता है, अगर ब्रदर शू 1 लाख टील्स को लेने के लिए तैयार हो जाते हैं हुआंगफू फैमिली के सन इन लॉ के तौर पर, तो मैं आपको 10,000 टील्स और भी देने को तैयार हूँ, जिसे आप हमारी इस छोटी सी टी पार्टी के रूप में ले सकते हो। एंड उसके बाद कियान रेंजी बोलता है कि ये दोनों बहुत ही ज्यादा खूबसूरत मेट्स हैं और मैं आपको इन्हें तोहफे के तौर पर दे सकता हूँ। एंड उसके बाद कियान रेंजी बोलता है, ब्रदर शू आप इन सारी चीजों को एक्सेप्ट कर लीजिए, आपका यहाँ पर फायदा ही फायदा है और जो हुआंगफू फैमिली है उसके लिए भी काफी अच्छा फैसला होगा ये। और अगर एक बार आप इस शर्त को मान लेते हैं तो जो हुआंगफू फैमिली की मार्केट है उसे इस तरीके से लोगों के सामने शर्मिंदगी महसूस नहीं करनी होगी, इससे आपको और आपकी हुआंगफू फैमिली को फायदा ही फायदा है। एंड उसके बाद हम शूफेई को देखते हैं जहाँ पर वो दोनों लड़कियाँ उसके बालों और गालों के साथ खेल रही थीं और यहाँ पर शूफेई को काफी अच्छा लग रहा है। वो बोलता है कि हाँ तुमने बिल्कुल सही कहा, ऐसी कोई भी अब मुझे वजह दिखाई नहीं दे रही कि मुझे तुम्हारे इस ऑफर को ठुकरा देना चाहिए। जैसे ही कियान रेंजी शूफेई की ये बात सुनता है वो काफी ज्यादा खुश हो जाता है, लेकिन तभी शूफेई अपने हाथों से एक हैंड साइन बनाता है और उसके बाद शूफेई बोलता है, जब मैं तेरा अच्छे से देखूं तो मेरे पास कोई भी वजह नहीं है जिसके लिए मैं इनकार करूं आपके इतने बढ़िया ऑफर को, लेकिन मैं आपका कोई गुलाम नहीं हूं यंग मास्टर कियान। सो शूफेई की बातें सुनकर जो कियान रेंजी होता है वो बोलते हैं, ब्रदर शू ये 1 लाख टील्स की बात है ना। सो तभी शूफेई बोलता है, क्यों ना हम दोनों एक दूसरे के साथ शर्त लगाएं कि मैं इस महीने के आखिर तक 1 लाख टील्स कमा सकता हूँ या फिर नहीं। उसकी बात सुनकर कियान रेंजी बोलता है, आप काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग हो ब्रदर शू, आप मेरे साथ एक शर्त लगाना चाहते हो, हाँ तो आखिर किस चीज पर लगाना चाहते हैं शर्त। शूफेई बोलता है, मैं आपके 100 फ्लावर्स ऑफ पेविलान पर बैड लगाना चाहता हूँ। उसकी बात सुनकर कियान रेंजी बोलता है, तो आखिर ब्रदर शू मेरे खिलाफ क्या शर्त लगाना चाहते हैं, आपको मेरे खिलाफ भी तो कोई चीज रखनी होगी जिसके लिए मैं शर्त लगाऊं, ऐसे ही खाली हाँ शर्त नहीं लगाई जाती ब्रदर शू। सो उसकी बात सुनकर शूफेई बोलता है कि अगर मैं हार गया, एंड उसके बाद वो बोलता है, अगर मैं हार गया तो मैं यंग मास्टर कियान की जो ख्वाहिश है उसे एक्सेप्ट करूंगा और उनसे जो 1 लाख टील्स हैं वो ले लूंगा। जैसे ही कियान रेंजी ये बात सुनता है वो बोलता है, इंटरेस्टिंग ब्रदर शू आप काफी ज्यादा वंडरफुल हो, चलो ठीक है बैट लगाते हैं। एंड उसके बाद यहाँ पर सीन बदलता है और हमें मार्केस ज़ेनबेई का मेंशन दिखाया जाता है जहाँ पर हम शेंगनैन को एक जगह पर बैठा हुआ देखते हैं और उसके बाद जो शूफेई होता है वो वहां पर आता है और बोलता है कि शेंगनैन तुम उठ गई, हाँ मुझे लगा कि तुम काफी टाइम तक सोओगी। और दूसरी तरफ हम शेंगनैन को देखते हैं जो शूफेई से पूछती है कि क्या तुम कियान रेंजी से मिलने के लिए गए थे, हाँ। सो शूफेई बोलता है कि हाँ अब तुम्हें मिलिट्री पे की चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है सच में। सो तभी शेंगनैन बोलती है कि तुम कौन होते हो आखिर हमारी इतनी चिंता करने वाले, हाँ। उसके बाद शेंगनैन चिल्लाकर बोलती है, क्या तुम्हें अंदाजा भी है कि आखिर कियान रेंजी कौन है और आखिर तुम ज़ेनबेई हार्स के मार्केस के तौर पर उनसे पैसे लेने के लिए क्यों गए, हाँ। सो अगले ही मिनट में हम देखते हैं जो लाओफू होता है वो वहीं नीचे झुक जाता है और बोलता है कि दमाची आप जल्दी से जल्दी आपने जो गलती की है उसे मार्केस के सामने एक्सेप्ट कर लीजिए। सो शूफेई बोलता है, क्या मैंने गलती की है, आखिर मैंने क्या गलती की है जरा तुम मुझे बताओगे। सो तभी जो शेंगनैन होती है वो गुस्से में अपने सामने पड़ी टेबल को तोड़ देती है और बोलती है कि तुमसे बहुत ज्यादा बातचीत हो गई, अब हमें हमारे परिवार का कानून ही लगाना होगा यहाँ पर। और ये सुनकर सेनापति काफी ज्यादा हैरान हो जाता है। उसके बाद एक सैनिक शूफेई के पास आता है और बोलता है, दमाजी ने परिवार का जो कानून है उसे तोड़ा है, इसी वजह से जो मार्केस हैं उन्होंने आदेश दिया है कि आपको घुटनों पर बैठाया जाए और आपको सजा दी जाए। सो उसके बाद जो सोल्जर्स होते हैं वो शूफेई को पकड़ लेते हैं और शूफेई बोलता है कि क्या मुझे घुटनों पर बैठना होगा शेंगनैन। लेकिन अगले मिनट में जो सोल्जर्स होते हैं वो शूफेई को उसके घुटनों पर बैठा देते हैं और शूफेई को अब कुछ भी समझ में नहीं आता कि ये सब क्या हो रहा है। एंड गाइस यहीं पर हमारा ये एपिसोड समाप्त हो जाता है। सो अगर तुम्हें एपिसोड पसंद आया हो तो वीडियो को एक लाइक कर देना और तुम लोग अपने ओपिनियंस कमेंट बॉक्स में बता सकते हो कि अब शूफेई के साथ क्या होगा, क्योंकि जो शेंगनैन है उसे लग रहा है कि हमारे हीरो ने उसका जो कियान रेंजी का ऑफर है उसे एक्सेप्ट कर लिया है और हुआंगफू फैमिली को धोखा दे दिया है। सो या तुम लोग अपने जवाब कमेंट्स में बता सकते हो एंड इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स एंड परिजनों के साथ शेयर कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग, सायोनारा।